अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीलॉग दो अहम शख्सियात से रिलेटेड है। सबसे पहली शख्सियत जो है वो काजी फाइज ईसा हैं और दूसरी जो हैं वो एनालिस्ट औरिया मकबूल जान साहब हैं। औरिया मकबूल जान साहब ने अपने ट्विटर के ऊपर कुछ चीज़ें शेयर की, उससे रिलेटेड आज मैं आपको बताऊँगा कि औरिया मकबूल जान साहब क्या सोच रखते हैं काजी फाइज ईसा से रिलेटेड। सबसे पहले औरिया मकबूल जान ने यह लिखा जी, काजी फाइज ईसा के फैसलों के बाद अब यकीन आ गया है कि इनके खिलाफ बनाया गया रेफरेंस बिल्कुल दुरुस्त था, जिसके तहत इनकी बीवी पाकिस्तान की वो कफायत चार खतून थी जो ग्रामर स्कूल की तनख्वाह से लंदन में फ्लैट खरीद लेती थी। मगर फाइज ईसा कहते हैं, जिसका माल है इससे हिसाब लो, इससे मेरा क्या लेना देना। ये औरिया मकबूल जान साहब ने ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद एक और ट्वीट किया उन्होंने, उस पर उन्होंने ये बात कही कि जो शख्स नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाने में इतना होशियार हो कि हुदैबिया का मजबूत तरीन केस सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पर ख़त्म करे और इस्तकदार बुजदिल के इस पर मीडिया में बात करने पर पाबंदी लगाई जाए, इस पर फाइज ईसा ने पीटीआई के खिलाफ फैसला भी टेक्निकल बुनियादों पर किया, ऐसे फैसलों के नतीजे खौफनाक होते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एक और ट्वीट किया, उससे पहले वो ये कहते हैं जी, पाकिस्तानी रियासती इदारों की इमारतें गिर रही हैं और इसे गिराने में इनके सरबराहों का बड़ा अहम किरदार है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने निज़ाम अदल बोसीदा इमारत को अपने फैसलों के धमाके से ज़मीन बोझ कर दिया। लोग जब हर एक से मायूस हो जाएं तो फिर वो ज़माना अपने हाथ में ले लेते हैं। ये था औरिया मकबूल जान साहब का ट्विटर से रिलेटेड वो तमाम बातें जो उन्होंने काजी फाइज ईसा को कही। और काजी फाइज ईसा ने जो कल बैट सिंबल से रिलेटेड पीटीआई को उनसे बैट छीन लिया और वो टेक्निकल बुनियादों पर छीना गया था, उसके अंदर क्योंकि वो नज़र आ रहा था कि जिस तरह उनके वकला, पीटीआई के वकला गौहर खान साहब, फिर उसके बाद जफर साहब, फिर उसके बाद हामिद खान साहब, ये तमाम जितने भी वकील थे जो रिप्रेजेंटेशन के तौर पे पीटीआई की तरफ से खड़े हुए हुए थे, वो बहुत ज़्यादा उनका सिंबल से रिलेटेड नॉलेज जो था वो वीक था, जिसकी बुनियाद को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने जो केस किया हुआ था पीटीआई से रिलेटेड वो उसमें जीत गई। मैंने ये देखा है कि हिस्ट्री के अंदर जब भी जितने भी चीफ जस्टिस या कोई भी जस्टिस के जहाँ पर केस लगाओ किसी भी जमात का, जो केस उनके हक में आए वो फिर उससे बड़ा फरिश्ता कोई नहीं, उस जस्टिस से बड़ा, और अगर वो उनके हक में नहीं आता तो वो उससे बड़ा यजीद किस्म का उनके लिए जस्टिस निज़ाम, उससे बुरा कोई नहीं होता। तो मैंने देखा कि जब जैसे ही फैसला आया तो पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने आके ट्विटर के ऊपर भरमार कर दी जो काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ बोलते रहे, और ये मकबूल जान साहब ने वही किरदार निभाया जिनसे उनसे तो ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो ऐसी बात करेंगे, लेकिन उन्होंने बातें ऐसी कहीं। ये मैंने सारी चीज़ें जो आपको सुनाई हैं और ये मकबूल जान साहब ने उन्होंने ट्विटर पर लिखी हुई हैं, ये आपके सामने जो स्क्रीन पर चल रही हैं ये वही बातें हैं जो आपको पढ़ के भी मैंने सुनाई हैं। फिर उसके बाद गौहर खान ने जब स्पीच किया कि उन्होंने कहा कि हम तमाम पीटीआई के वर्कर्स को कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। अब नज़र ये आ रहा है कि अलग इलेक्शन 8 फरवरी जो को होने के जो करार पाए हैं उसके ऊपर पीटीआई बुरे तरीके से हारती हुई नज़र आएगी, क्योंकि आज़ाद इलेक्शन होगा, आज़ाद उम्मीदवार होंगे, और ज़्यादातर अगर जीत भी जाते हैं आज़ाद उम्मीदवार तो जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनकी कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरीके से उनको ख़रीद लिया जाए। तो ये थी सारी सूरत हाल जो औरिया मकबूल जान से रिलेटेड और काजी फाइज ईसा से रिलेटेड चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। इसी के साथ अपने मेज़बान पीर मेहर को इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।